देखिए आज की इस वर्कशीट में हमारा पहला क्वेश्चन है फैमिली गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर। तो इसका क्या आंसर होगा कि दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या इरेशनल नंबर हो सकती है? तो आंसर क्या है? नो। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल क्या है कि हम ले दो रेशनल नंबर लेते हैं, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर रेशनल नंबर से की जाए, यानी कि दो रेशनल नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या वो इरेशनल नंबर आता है? तो चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 3, एक इरेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर है 3, दूसरा है 5। दोनों की हम प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 15 जो कि क्या है? 15 जो से एक रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर नहीं आया हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट रेशनल नंबर होती है, इरेशनल नंबर नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर है नो। और भी आप अलग से एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास है 9 की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 11 से, 9 11 जब 99 जो है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने 9 लिया है 11 लिया, दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 99 जो कि रेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होती, वो रेशनल नंबर ही आएगी। तो इसका आंसर है नो। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैन वी गेट ए रेशनल नंबर बाई मल्टीप्लाइंग टू इरेशनल नंबर। इसको समझेंगे कि दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन, क्या रेशनल नंबर हो सकती है? यस और नो। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। क्या एग्जांपल है हमारे पास? इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, अंडर रूट 8 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें, देखिए क्या आता है, अगर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 से करें तो हमारे पास क्या आएगा? 8 2 16, अंडर रूट 16, और 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 इज इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये ट्रू है। फिर देखते हैं सेकंड वन, अंडर रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, 20 अंडर रूट 20 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई यानी अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 20 से करते हैं तो 25 सा 100। अब 100 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा? 10 जो भी 10 का स्क्वायर 100 होता है। और देखते हैं 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि अंडर रूट 12 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करते हैं तो 12 3 जब हो गया कितना? 36। 36 का अंडर रूट 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6। तो 6 क्या आ गया? एक रेशनल नंबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन रेशनल नंबर हो सकती है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा यस, कि दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन एक रेशनल नंबर हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं? एक रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सोल द फॉलोइंग, अंडर रूट 10 को अंडर रूट 9 और 5 से मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट 10 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर, जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं अंडर रूट के अंदर भी, जैसे 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 50 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम ये कहेंगे कि 10 का यहाँ पेयर बनाइए, पेयर कैसे? 10 को मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं कि 2 × 5 × 5, ये 5 तो यहाँ पे 5, 10 को हमने लिख दिया 2 × 5। अब 5 का यहाँ पेयर बन गया, अब ये पेयर जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो 5 × 5 का जो रूट है वो 5 होता है और रूट 2 अंदर बच गया। तो इस प्रकार से आप अंडर रूट 10 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 50 आ जाता है। 50 को आप वापस
फाइव रूट टू में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बी पार्ट सोल्व द फॉर्मूला, इसको सोल्व करना, थ्री प्लस रूट फाइव मल्टीप्लाई थ्री माइनस रूट फाइव। अगर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी करने के लिए आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो क्या आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है ए प्लस बी। अगर इसकी किसी तरह से देखें तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी एक आइडेंटिटी है। तो ध्यान दीजिए आइडेंटिटी क्या है, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टली एक फार्मूला बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी का आप यूज़ करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो हमारे पास है, तो इसी को अब इसके नीचे मैं लिखूँ तो थ्री प्लस का रूट फाइव मल्टीप्लाई थ्री माइनस का रूट फाइव। ए हो गया थ्री और बी हो गया अंडर रूट फाइव। तो ए स्क्वेयर यानी कि ए हमारे पास थ्री है, तो थ्री का स्क्वेयर माइनस बी हमारे पास जो है वो रूट फाइव है, तो रूट फाइव का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास हो गया थ्री का स्क्वेयर नाइन माइनस फाइव का स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट फाइव का स्क्वेयर, तो ये फाइव ही आएगा। तो हमारा आंसर आ गया फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री इसका बी पार्ट है, मल्टीप्लाई थ्री प्लस रूट फाइव थ्री प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस रूट थ्री। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। इसको लिख सकते हैं आप इस फॉर्म में ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, क्योंकि ये दोनों हमारे सेम है, इनके बीच में प्लस और माइनस है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद रहता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से लिखता है, इसको ये हो गया हमारे पास थ्री प्लस का रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस का रूट थ्री। अब देखिए ए थ्री आ गया हमारे पास, तो ए का स्क्वेयर हो रहा है तो थ्री का स्क्वेयर हो जाएगा। फिर बी अंडर रूट थ्री है तो बी का स्क्वेयर हो रहा है, तो माइनस में ये अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर हो जाएगा। तो थ्री का स्क्वेयर हो गया हमारे पास नाइन और अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट एक दूसरे के एंटी है कैंसिल, यानी कि आप वापस आ गए ये थ्री नाइन माइनस थ्री और आंसर आ गया आपका सिक्स। आप वैसे भी इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर सिक्स ही आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का सी पार्ट में अंडर रूट सिक्स की मल्टीप्लाई करनी है अंडर रूट थ्री प्लस टू से। अंडर रूट सिक्स की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अंडर रूट सिक्स की मल्टीप्लाई करनी है आपने अंडर रूट थ्री से, प्लस अंडर रूट सिक्स की मल्टीप्लाई करनी है आपने टू से। तो दोनों इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास सिक्स इंटू थ्री प्लस। अब ये क्योंकि हमारे पास क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो ये क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई वैसा तो होगा नहीं, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो है हमारे पास कॉमोटेटिव होती है, तो टू को आगे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई रूट सिक्स को आप पीछे लिख लेंगे, तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसको अगर आप देखें तो अंडर रूट 18 हो जाता है, उसकी जगह आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि सिक्स को आप लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई थ्री और मल्टीप्लाई थ्री। अब थ्री का यहाँ पे पेयर बन गया, ये पेयर बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू में मल्टीप्लाई अंडर रूट सिक्स, तो टू रूट सिक्स से लिखा जाएगा। ये इसमें थ्री हमारे पास बाहर आ गया है, थ्री रूट टू और ये हो गया टू रूट सिक्स। अब ये अलग अलग इरेशनल नंबर हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, अनलाइक है, ये ऐड नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट, सो द फॉलोइंग अंडर रूट 15 को डिवाइड करना है अंडर रूट 5 से। तो डिवाइड के लिए आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गया अंडर रूट 5। अंडर रूट 15 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 15 आएगी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, देखिए क्वेश्चन, और 1 के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो गया अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3 का की पार्ट अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 21 से करनी है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई होगी 21 से अंदर,
और 21 को वापस लिख सकते हैं 7 इंटू 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3। अब 7 का फिर से पेयर बन गया, 7 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 7√3। 7√3 इज द प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 21। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट है 18 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 6 अंडर रूट 3। तो इसको न्यूमरेटर लिखेंगे 18 रूट 15 डिवाइड बाई 6 रूट 3। अब यहां पे देखिए